तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, आपने कई बार अक्सर क्रिएटर्स को ये बोलते हुए सुना होगा, इवन आपने मेरी हर एक वीडियो में सुना होगा जहां पर मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और साथ ही इस वीडियो के नीचे एक कमेंट भी करिएगा। इसके अलावा जनरली लोग या तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं और वीडियोज़ को शेयर वगैरह करने के लिए कहते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर ये जितने भी क्रिएटर हैं ये अपनी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के लिए क्यों कहते हैं, क्या इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, या फिर इससे उनके YouTube चैनल पर या उनकी YouTube वीडियोस पर उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फेवर मिलता है जिसके लिए वो सभी लोग ऐसा करने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही यदि जो लोग क्रिएटर हैं उनको इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी वीडियो पर ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर आते हैं तो क्या इससे उस वीडियो की रेवेन्यू पर फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, अगर इनडायरेक्टली कहें तो जी हाँ, बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ता है। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर डायरेक्टली बात करें तो आप यदि किसी भी क्रिएटर की वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो इससे उसको डायरेक्टली कोई भी फ़ायदा नहीं होता है रेवेन्यू के मामले में। इसके लिए उसे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो यूट्यूब से हमारी अर्निंग होती है वो यहाँ पर वीडियो पर एड्स के चलने से होती है। लेकिन आप किसी भी वीडियो को यदि लाइक कर देते हैं या उसके नीचे कमेंट कर देते हैं तो इससे उस क्रिएटर के लिए कोई भी रेवेन्यू का सोर्स नहीं बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से सोचें तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है वो यहाँ पर जब भी वीडियोज़ को देखता है तो यदि मान लीजिए कोई एक ऐसी वीडियो है जिस पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी वीडियो है जिस पर पहली वाली वीडियो से तो कम व्यूज़ है लेकिन उस पर बहुत सारे लोगों ने लाइक कर रखा है, उस वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रखे हैं और वीडियो को शेयर भी किया हुआ है, तो यहाँ से YouTube को इनडायरेक्टली ये हिंट मिलता है कि इन दोनों वीडियो में से वो वाली वीडियो जो है वो ज़्यादा बेस्ट है जिस पर लाइक भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं और लोगों ने उस वीडियो को शेयर भी किया है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली YouTube उस वीडियो को ज़्यादा अच्छा समझता है जिन पर जो ऑडियंस का एंगेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जनरली YouTube ने ये पाया भी है कि यदि YouTube ऐसी वीडियो को रिकमेंड करता है जिनमें व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं पर एंगेजमेंट उतना नहीं होता, वो वीडियो लोग देखते तो हैं बट ऑलमोस्ट सभी लोगों को वो वीडियो उतनी पसंद नहीं आती। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो वीडियोस ऐसी होती हैं जिन पर लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, उन वीडियोस को ऑडियंस देखने के साथ साथ एंजॉय भी करती है। इसी वजह से YouTube का जो एल्गोरिथम है ऐसी वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है जिन पर व्यूज़ के साथ साथ ऑडियंस का एक अच्छा खासा एंगेजमेंट हो। तो इसी वजह से हर एक क्रिएटर आप सभी लोगों को कहता है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को हो सके तो शेयर करें ताकि YouTube के एल्गोरिथम को लगे कि हमारी YouTube वीडियो बेस्ट है और YouTube हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करे। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्टली रेवेन्यू की, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई भी आपकी वीडियो पर लाइक करता है, कमेंट करता है या फिर इवन उसे शेयर करता है तो इससे आपकी इनडायरेक्टली अर्निंग कैसे बढ़ती है। तो देखिए, जिन भी लोगों के यूट्यूब चैनल यदि मोनेटाइज होते हैं और उन वीडियोस पर यदि उन्हें अच्छा खासा एंगेजमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर एक तो जो आपकी ऑडियंस होती है वो थोड़ी बहुत वीडियो को शेयर करती है, उसके अलावा YouTube का जो एल्गोरिथम है वो भी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रेकमेंड करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो जाती है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आने की वजह से उन वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा एड्स भी चलते हैं जिससे इनडायरेक्टली उस क्रिएटर का जो रेवेन्यू है वो उस वीडियो से काफ़ी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक YouTube वीडियो के रेवेन्यू बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।